हेलो गाइस, आई एम एके गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एके लीगल। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे ऑफर की। ऑफर और प्रपोजल दोनों एक ही चीज़ है, आप ऑफर भी कह सकते हैं, प्रपोजल भी कह सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहली इसेंशियल चीज़ जो है वो है ऑफर। जब तक ऑफर नहीं होगा, सामने से एक्सेप्टेंस नहीं होगी, और एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो कोई एग्रीमेंट ही क्रिएट नहीं होगा। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के लिए सबसे फर्स्ट इसेंशियल जो जरूरी है वो है ऑफर, प्रपोजल। जब हम किसी को प्रपोजल देंगे तभी तो कोई एक्सेप्ट करेगा, और तभी एक्सेप्ट करेगा तो हमारे बीच एग्रीमेंट्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो आज की वीडियो हम यही जानेंगे कि प्रपोजल होता क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2A डिफाइन करता है प्रपोजल को। ये कहता है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और अब्सटेंशन इज सेट टू मेक ए प्रपोजल। मतलब जब कोई पर्सन अपनी इच्छा शो करता है, अपनी विलिंगनेस शो करता है दूसरे को कुछ करने के लिए या कुछ करने से परहेज करने के लिए, तो वो प्रपोजल होता है। विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट, और इस दृष्टिकोण से कि सामने वाला उसे असेंट देगा, तो ऐसे एक्ट को या ऐसे परहेज करने को उसे प्रपोजल कहा जाता है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिजर। जो पर्सन प्रपोजल देता है उसे प्रोमिजर कहते हैं या ऑफरर कहते हैं, और जो पर्सन एक्सेप्ट करता है प्रपोजल को उसे कहते हैं प्रोमिसी या ऑफरी। तो ये ध्यान रखना आप। अब इसे देखते हैं, इसेंशियल कंडीशन ऑफ ए वैलिड ऑफर। तो जो एक वैलिड ऑफर है उसकी इसेंशियल कंडीशन क्या क्या हो सकती है? तो पहली कंडीशन है एक्सप्रेशन और विलिंगनेस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही व्हेन वन पर्सन व्हेन एन ऑफर इज एन मेड वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग सर्टेन थिंग। तो जब कोई पर्सन अपनी विलिंगनेस सिग्निफाइज करता है किसी और को कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए किसी सर्टन चीज को, तो वो एक्सप्रेशन है उसका। तो फर्स्ट एसेंशियल तो ये है। सेकंड है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। तो जो कम्युनिकेशन ऑफर का कम्युनिकेशन होना जरूरी है। द वर्ड सिग्निफाइज इन सेक्शन 2। तो जो सेक्शन 2A में जो वर्ड सिग्निफाइज है, इसका मतलब मीन्स दैट प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू अदर पार्टी। तो जो ऑफर है वो कम्युनिकेट होना जरूरी है दूसरी पार्टी के साथ। टू सिग्निफाइज मीन्स टू इंडिकेट और डिक्लेयर। तो जो सिग्निफाइज का मतलब है ना, वो इंडिकेट करना है, डिक्लेयर करना है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कम्प्लीट वेन इट्स कम टू द नॉलेज ऑफ पर्सन होम टू इट इज मेड। तो जो सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 के कम्युनिकेशन कम्प्लीट जब हो जाता है प्रपोजल का, जब वो नॉलेज में आता है उस पर्सन के लिए जिसके लिए प्रपोजल किया गया है। अब इसका एक इंटरेस्टिंग केस है, लालमन शुक्ला वर्सेस गोरीदास। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस। इस केस में क्या हुआ था, गोरीदत्त होता है डिफेंडेंट और लालमन शुक्ला होता है प्लेंटिफ। जो गोरीदत्त का नेफ्यू होता है ना, वो एक्सपेंडेड हो जाता है फ्रॉम द हाउस, वो घर से भाग जाता है, और गोरीदत्त अपने सारे सर्वेंट को भेज देता है ढूंढने के लिए, जिसमें से एक लालमन शुक्ला होता है, वो ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही लालमन शुक्ला उसे ढूंढने के लिए निकलता है, उसके बाद गोरीदत्त अनाउंस करता है कि वो 501 रुपये देगा जो भी कहते हैं उसके नेफ्यू को ढूंढ के लेकर आएगा। कुछ दिनों बाद कहते हैं लालमन शुक्ला उसके नेफ्यू को ले आता है, लेकिन उसे बाद में पता पड़ता है कि 501 का रिवॉर्ड इन्होंने अनाउंस किया था। तो ये क्लेम करता है लालमन शुक्ला कि अब मैं तो कहते हैं इसने जो परफॉर्मेंस थी कंडीशन वो फुलफिल कर दी, तो 501 रुपये इसे चाहिए, पर ये गोरीदत्त देने से मना कर देता है। अब आप एक क्वेश्चन अटा रहा होगा कि 501 के लिए केसेस कर देता है, तो ये चीज ध्यान रखिए कि 1913 का केस है, उस टाइम पर 500 रुपये की कीमत काफ़ी होती थी। तो ये क्लेम करता है और ये मना कर देता है। जब कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट ये ऑब्जर्वेशन ये करती है, लालमन शुक्ला कंटेंशन करता है कि मैंने परफॉर्मेंस कर दी है जो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन फिर भी नहीं, तो गोरीदत्त देने से मना करता है। तो कोर्ट ये ऑब्जर्वेशन करता है, सिर्फ परफॉर्मेंस करना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का वो जरूरी नहीं है, कम्युनिकेशन होना जरूरी है, और कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो उसके नॉलेज में नहीं है। तो जो लालमन शुक्ला है उसे जब उसने वो परफॉर्मेंस करी, उसके नॉलेज में ही नहीं थी कि 501 रुपये इस पर रिवॉर्ड है, तो इसलिए वो एंटाइटल नहीं है 501 रुपये के लिए। इसलिए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर होना जरूरी है। आई होप आई गाइज आपको ये वाला केस समझ में आ चुका होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसेंशियल है इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट। देर इज नो प्रोविजन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नोर हैज देर हैज बीन एनी रिपोर्टेड डिसीजन इन इंडिया।
वैसा कोई प्रोविजन नहीं है इंटेंशन का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और ना ही कोई ऐसा केस अभी तक इंडिया में है। रिक्वायरिंग दैट एन ऑफर और इट्स एक्सेप्टेंस शुड बी मेड विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो इंटेंशन होनी चाहिए क्रिएटिंग लीगल रिलेशन की। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं उनकी वो इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए कि हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट में है, एक लीगल रिलेशनशिप में आ रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर। तो कई बार क्या होता है कि ऑफर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वे में भी होते हैं। सेक्शन 9 प्रोवाइड दैट वैलिड प्रपोजल मे बी मेड बाई वर्ड्स। बाई वर्ड्स भी हो सकते हैं, वो रिटर्न भी हो सकते हैं, और स्पोकन भी हो सकते हैं, और बाई कंडक्ट भी हो सकते हैं। अब कंडक्ट कैसे हो सकते हैं, देखिए जैसे कि आपने एक टैक्सी ली, आप टैक्सी में बैठे, एग्जाम्पल के तौर पर स्टेपिंग इन टू अ टैक्सी एंड कंज्यूमिंग ईटेबल एट रेस्टोरेंट। मतलब जैसे आप टैक्सी में बैठते हैं, आप पहले पैसे वैसे पूछते नहीं, आपने जैसे ही बैठ गए तो उसमें आपका ये कंडक्ट बता रहा है कि हाँ आप लाइबल हैं उसके पैसे देने के लिए। आपने रेस्टोरेंट में जाकर खाना ऑर्डर करा, आप खाना खा रहे हैं, तो आप लाइबल हैं उसके पैसे देने के लिए। तो ये आपका कंडक्ट बताता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं, ये इम्प्लाइड ऑफर है। बोथ इम्प्लाइड प्रॉमिस टू पे द बेनिफिट्स एंजॉय। जो आप बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं उसका आपको पे करना होगा। तो आपको एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर का समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सर्टेनिटी ऑफ ऑफर। तो जो ऑफर की है, द टर्म ऑफ द ऑफर मस्ट बी सर्टेन नॉट वेग। जो आप ऑफर करते हैं वो सर्टेन होना चाहिए, उसमें अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए जो सामने वाले को समझ में ना आए। एग्जाम्पल के तौर पर ए एग्री, मतलब यहाँ लेंगे कहा कोई एग्री एग्रीज टू सेल बी व्हाइट हाउस और 500 रुपये एंड 1000 रुपये। देयर इज नथिंग टू शो विच ऑफ द टू प्राइजेस वाज टू बी गिवन। इसमें कन्फ्यूजन होगी कि 500 रुपये 1000 रुपये, तो दस इट इज नॉट ए वैलिड ऑफर। तो ये वैलिड ऑफर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सर्टेनिटी है नहीं कि 500 का है 800 का है। सिमिलरली एन एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह अगर कोई एग्रीमेंट होता है फ्यूचर के लिए एग्री, है नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ए वैग्यू स्टेटमेंट जैसे लाइक आई विल बाय वन ऑफ योर हॉर्सेस इफ आई कैन अफोर्ड इट कैन नॉट बी सेट टू ए वैलिड ऑफर। तो ये वैलिड ऑफर नहीं होगा। नेक्स्ट एसेंशियल है जनरल ऑफर्स। तो ये भी बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, इसमें केस भी है। देर आर टू काइंड्स ऑफ जनरल ऑफर्स, मतलब दो तरह के ऑफर होते हैं, एक जनरल और स्पेसिफिक। जनरल ऑफर भी होते हैं, स्पेसिफिक ऑफर भी होते हैं। तो स्पेसिफिक ऑफर वो होते हैं, स्पेसिफिक ऑफर इज मेड टू ए स्पेसिफिक और एन असर्टेन पर्सन, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए स्पेसिफिक ऑफर होते हैं। जबकि जनरल ऑफर जो होते हैं वो पब्लिक और वर्ल्ड एट लार्ज होते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ जनरल ऑफर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड ओनली विद द पर्सन हु कम्स फॉरवर्ड एंड परफॉर्म द कंडीशन ऑफ द प्रपोजल एज सच परफॉर्म्स अमाउंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। तो जो जनरल ऑफर होते हैं ना, वहाँ पर अगर आप जो कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट की, अगर आप उसे परफॉर्म कर देते हैं तो वो एक्सेप्टेंस मानी जाती है। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी इंगेज। हमने पीछे पढ़ा था ना कि कम्युनिकेशन जरूरी है, लेकिन जो जनरल ऑफर होते हैं उनमें कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है। अब इसको एक केस से समझते हैं। कार्लिल वैसे कार्बोलिक स्मोक बोल्स कंपनी, इस केस में क्या हुआ था, ये भी लैंडमार्क केस है और ये 1893 का केस है, 1893 का। इसमें कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी होती है जो स्मोक बोल बनाती है और एडवर्टाइजमेंट देती है पेपर में कि जो भी इसको लेगा, इन बॉल्स को लेगा, उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। उस टाइम कोई बीमारी चल रही थी इन्फ्लुएंजा, उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा अगर वो विद द इंस्ट्रक्शन लेती है कंपनी के, कंपनी ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उस तरीके से लेती है, प्रॉपर केयर से यूज़ करती है, तो उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा अगर, लेकिन फिर भी हो गया तो वो 100 यूरो रिवॉर्ड देगी। अभी जो कार्लिल होती है पेटिशनर, इसने ये एडवर्टाइजमेंट देखा और उसने स्मोक बोल खाने शुरू कर दिए एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाई कंपनी। कंपनी ने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे उसकी तरह रेगुलर खाने लगी, लेकिन उसके बाद भी उसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है। तो फिर वो क्लेम करती है कोर्ट में जाके कि मुझे 100 यूरो चाहिए। अब कंपनी ये कंटेंशन राइज करती है, अच्छा ठीक है तुम, हमने ऑफर दिया था तुमने एक्सेप्ट कर लिया, पर तुमने कम्युनिकेशन तो किया ही नहीं। कंपनी ये कहती है कि तुमने आके हमारे बताया नहीं किया तुमने कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हूँ, जब कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस तो हो ही नहीं सकता, तो हम लाइबल नहीं है देने के लिए।
यहाँ पे जो कोर्ट है तब ये कोर्ट ऑब्जर्वेशन करती है कि ये एक जनरल ऑब्लिगेशन, जनरल ऑफर है, आपने एडवर्टाइजमेंट दिया तो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग अगर कोई परफॉर्म्स कर देता है कंडीशन को जनरल ऑफर में तो वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा, वहाँ कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है। तो इस केस का डिसीजन आता है ये। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर व्हेन टू पार्टी मेक आइडेंटिकल ऑफर्स टू ईच अदर, जब दो पर्सन एक दूसरे को ऑफर देते हैं सेम, इन इग्नोरेंस ऑफ ईच ऑफर्स ईच अदर्स ऑफर, द ऑफर्स आर क्रॉस ऑफर, सच ऑफर डू नॉट कंस्टिट्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ वंस ऑफर बाय अदर्स एंड एज सच देयर इज नो कंप्लीट एग्रीमेंट, तो वो कंप्लीट एग्रीमेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ए रोट टू बी ऑफरिंग टू सेल हिम सर्टन गुड्स। ए बी को लेटर लिखता है सर्टन गुड्स के लिए, कुछ चीजों के लिए कि ऑफर करता है सेल के लिए। ऑन द सेम डे, उसी सेम दिन क्या कहते हैं, बी भी लेटर लिखता है ए को, वो ऑफर करता है उसी सेम चीजों को खरीदने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना लेटर क्रॉस्ड हो गया इन पोस्ट, देयर इज ए नो कंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इन बी, तो जो ऑफर है ना वो क्रॉस ऑफर हो गया, वो भी ऑफर देता है वो भी ऑफर देता है, तो इसलिए वो क्रॉस ऑफर होता है, वो एक कंप्लीट एग्रीमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है इसमें लास्ट है ये ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। अब ऑफर तो आपको पता है, लेकिन एक इनविटेशन टू ऑफर, जो ऑफर है ना वो फाइनल एक्सप्रेशन है। ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफरर टू बाउंड बाय हिज ऑफर, तो जो ऑफर की जो फाइनल विलिंगनेस होती है, एक्सप्रेशन होता है विलिंगनेस का, तो वो बाउंड होता है अपने ऑफर से। लेकिन सम टाइम ए पर्सन में नॉट ऑफर टू सेल गुड्स, लेकिन कभी कभार कोई पर्सन ऑफर नहीं करता किस चीज के लिए, बट मेक सम स्टेटमेंट और गिव सम इंफॉर्मेशन विद द व्यू टू इनवाइटिंग अदर टू मेक ऑफर्स ऑन दैट बेसिस, मतलब ऑफर में आपने फाइनल विलिंगनेस दे दी, एक्सप्रेशन कर दिया, लेकिन इनवाइटिंग ऑफर में आपने कुछ स्टेटमेंट दी जिसमें आप चाहते हैं कि सामने वाला नेगोशिएट करके वो ऑफर दे। वेयर ए पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस, तो इनविटेशन टू ऑफर में फाइनल विलिंगनेस नहीं होती है, एक्सप्रेशन नहीं होते हैं, प्रपोजिड टू सर्टेन टर्म्स ऑन विच ही इज विलिंग टू नेगोशिएट, वो नेगोशिएट करना चाहता है कि हाँ भाई आपने कुछ नॉर्मल उसके कंडीशन बता दी, स्टेटमेंट दे दी, सामने वाला आता है और नेगोशिएट करता है, तो ही डज नॉट मेक एन ऑफर बट मेनली इनवाइट्स, तो वो ऑफर नहीं होता, सिर्फ इनवाइट्स होता है अदर पार्टी को कि मेक एन ऑफर दोस टर्म्स। तो आपको ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म, हमने ऑफर समझ लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एक्सेप्टेंस क्या होता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।